हेलो फ्रेंड्स, वीवो टेक्नोलॉजी की चैनल में आपका स्वागत है। और इस ट्यूटोरियल में हम रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे और उसका रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ कैसे करते हैं। ओके, सबसे पहले ये हमारा index.html पेज है। यहाँ पर मैंने जावास्क्रिप्ट को एक्सटर्नल लिंक कर रखा है जिसका कोड ये है। सबसे पहले आप index.html के इस पेज को क्रिएट कर लेंगे और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को लिंक कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में आते हैं, यहाँ पर हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। ओके, सबसे पहले जानते हैं रिटर्न स्टेटमेंट होता क्या है। और रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम फंक्शन की वैल्यू को फंक्शन के बाहर यूज करते हैं या फंक्शन की वैल्यू को फंक्शन से बाहर प्रिंट कराने के लिए रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ओके, और रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करने से वो वैल्यू फंक्शन के बाहर एग्जिट हो जाती है। ओके, तो इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन का कुछ भी नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, बिकॉज आई लाइक मैंगो। ओके, और यहाँ पर हम दो पैरामीटर क्रिएट कर लेते हैं, एक्स और वाई, उनकी नेम दे देते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं। ओके, और यहाँ पर एक हम वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, वेरिएबल नेम कुछ भी दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल जेड। ओके, और जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर जोड़ने का प्रोग्राम बना रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम रिटर्न का यूज करेंगे। ओके, रिटर्न हम यहाँ पर वेरिएबल को रिटर्न कर रहे हैं। ओके, क्योंकि हमको ये जो फंक्शन के बाहर प्रिंट कराना है, इसलिए वेरिएबल नेम दे देंगे जेड और सेमी कॉलन से क्लोज कर देंगे। ओके, अब हमको इसको प्रिंट कराना है, इसलिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करेंगे। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, और यहाँ पर हम फंक्शन नेम दे देंगे। ओके, मैंगो, क्योंकि हम फंक्शन को यहाँ पर फंक्शन को प्रिंट करा रहे हैं बाहर। ओके, फंक्शन के बाहर। ओके, मैंगो, और यहाँ पर हम जो पैरामीटर की वैल्यू है यहाँ पर एक्स और वाई, वो यहाँ पर दे देंगे 10। एक्स यहाँ पर 10 है और उसके बाद वाई कुछ भी दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 20। ओके, आप इसको हम यहाँ पर सेमी कॉलन से क्लोज कर देंगे। ओके, यहाँ पर जो एक्स है वो 10 है और वाई जो है वो 20 है। ओके, तो जेड बराबर एक्स प्लस वाई, यानी 10 प्लस 20 बराबर 30। ओके, इक्वल टू 30। और यहाँ पर रिटर्न जेड, यानी फंक्शन के बाहर हम इसको प्रिंट करा रहे हैं। ओके, अब कंट्रोल इस कमांड से सेव करेंगे, index.html फाइल में आएंगे। ओके, और यहाँ पर रन पे जाएंगे, लॉन्च इन क्रोम। ओके, आप देख रहे हैं 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। ओके, सो यहाँ पर हमने जो फंक्शन मैंगो यहाँ पर दिया है, वो यहाँ पर फंक्शन का नेम दे दिया है और ये यहाँ पर पैरामीटर की वैल्यू है 10 और 20। ओके, अब अगर हमको यूजर से इनपुट लेना है और उस इनपुट को प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वेरिएबल। ओके, वेरिएबल नेम दे देंगे एक्स, और ध्यान रहे यहाँ पर जो फंक्शन में हमने पैरामीटर में नेम दिया है, वही यहाँ पर हम वेरिएबल नेम देंगे। ओके, एक्स, और उसके बाद यहाँ पर इक्वल टू पास पास इंट। ओके, पास इंट। ओके, उसके बाद यहाँ पर प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट। ओके, और उसके बाद यहाँ पर हम यूजर से कुछ इनपुट लेने के लिए यहाँ पर हम मैसेज एक उसको देंगे, इंटर फर्स्ट नंबर। ओके, और उसके बाद यहाँ पर हम इसको सेमी कॉलम से क्लोज कर देंगे और दूसरा वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसका नेम हम दे देंगे वाई। ओके, सेम यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर हम यूजर से इनपुट लेने के लिए यहाँ पर जो सेकेंड मैसेज देंगे वो भी कुछ भी दे देते हैं, इंटर सेकेंड नंबर। ओके, और इसको भी सेमी कॉलम से क्लोज कर देंगे। अब हम इस प्रोग्राम को कंट्रोल इस कमांड से सेव करके इसको रन करेंगे, तो आप देखेंगे ये यहाँ पर 20। ओके, और जो सेकेंड इंटर सेकेंड नंबर वो यहाँ पर देंगे 20, बट ये प्रोग्राम वर्क नहीं कर रहा है। 20 प्लस 20 40 होता है, यहाँ पर 30 दे रहा है, इसलिए हमको यहाँ पर ये जो 10 और 20, यानी जो पैरामीटर की वैल्यू यहाँ पर 10 और 20 दिया था, उसको यहाँ पर हम पैरामीटर की वैल्यू नहीं, क्योंकि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली पैरामीटर का नेम ही देंगे, एक्स। ओके, और वाई,
क्योंकि हम यहाँ पर यूजर से इनपुट ले रहे हैं, उसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे ना कि अपनी अपनी वैल्यू को. ओके, तो यहाँ पर हम पैरामीटर का नेम देंगे एक्स और वाई, कंट्रोल इस कमांड से सेव करेंगे, फिर से प्रोग्राम को रन करेंगे. ओके, अब यहाँ पर हम 20 ओके प्लस 20 यहाँ पर 40 ओके. सो आपने यहाँ पर देखा कि हमने यहाँ पर पैरामीटर की वैल्यू ना देखी, यहाँ पर पैरामीटर के नेम ही दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं. ओके, अब फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पर हमको कुछ भी अदर चेंजेस करना है, फॉर एग्जांपल माइनस यहाँ पर. ओके, कंट्रोल इस कमांड से सेव कर लेंगे, यहाँ पर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे. ओके, 20 ओके और सेकेंड वैल्यू 10, तो 20 से 10 माइनस हुआ तो यहाँ पर 10 आएगा. ओके, सो आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दे के ऐसे ही चेक कर सकते हैं प्रोग्राम को. ओके, सो आई होप आपको रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा. सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.